ये अंतर यात्रा सूत्र है। अंतर यात्रा है माया से मुक्ति। यहाँ माया का अभिप्राय है सब कुछ को अपने दृष्टिकोण से मापना। माया की बात हम अक्सर सुनते हैं। अध्यात्म में जब भी कोई खोजी आगे बढ़ता है तो माया शब्द उसको निश्चित ही प्रायः सुनने को मिलता है। माया के बारे में हमको स्पष्ट रूप से बात समझ लेनी चाहिए। माया भ्रम नहीं है, जैसे लोग कहते सब माया है। माया का अर्थ ये नहीं कि सब बेकार है, सब भ्रम है। माया का अर्थ होता है मापना। और सूत्र कहता है कि अपने दृष्टिकोण से मापना, अपने दृष्टिकोण से जो हम मापते हैं वो माया का निर्माण करता है। तो जो माया से हम मुक्त होने की तरफ बढ़ेंगे तो वस्तुतः अपने दृष्टिकोण से हम मुक्त होने की तरफ बढ़ेंगे। तो जो माया से मुक्ति कही जा रही है अंतरयात्रा के सूत्र में, वो ऐसी नहीं है कि हमें संसार से मुक्ति या हमको ये जो सब जिसको हम समझते हैं कि ये आज तक समझते आए हैं कि माया है, ये भ्रम है, उससे मुक्ति नहीं। हमने भ्रम बनाए हैं अपने दृष्टिकोण से। माया का तो शाब्दिक अर्थ ही देखिए होता है मेजरमेंट, माप रहे हैं चीज़ को। जैसे ही हम किसी भी चीज़ को मापना शुरू करते हैं, चाहे उसको वैचारिक रूप से, किसी मान्यता के रूप में, किसी धारणा के रूप में मापें, हम उसको सीमित बना देते हैं, हम उसको संकुचित कर देते हैं। हमारा मापना, मेजरमेंट जीवन को संकुचित बना देता है। और जब किसी व्यक्ति को भी हम अपने दृष्टिकोण से मापते हैं, मेजर करते हैं, उसका आकलन करते हैं, तो हम व्यक्ति को भी सीमित बनाते हैं। व्यक्ति को हम एक तरह से उसकी जो विराट संभावना है उससे कम करके देखते हैं, तो हम माया का निर्माण करते हैं। यानी कि जब हमने किसी व्यक्ति को देखा और उसको हमने माया में बदला, तो कैसे बदला? हमने अपना दृष्टिकोण उसके ऊपर आरोपित कर दिया। जो हमारी मान्यता थी, धारणा थी, हमारे मत और विश्वास थे, हमने उससे उस व्यक्ति को देखा, उसका आकलन किया, उसको मापा, और इस सारी प्रक्रिया में वो हमारे लिए माया हो गया। तो इसीलिए जब शंकर कहते हैं, आदिशंकर भारतीय दर्शन में, कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत माया है, तो जगत माया कैसे है? वो मिथ्या शब्द का उपयोग करते हैं और उसी को लोग माया की तरह भी कहते हैं। अगर हमने किसी को सीमित कर दिया किसी धारणा में बांधकर, तो मिथ्या ही हो गया, यानी कि वो वास्तविक नहीं रह गया। जो उसका होना था वो अब हमारे लिए नहीं रह गया। अब व्यक्ति क्या, हम किसी भी चीज़ पर इसको लागू कर लें, ये प्रकृति है, ये अस्तित्व है, जीवन का इतना अनंत असीम प्रवाह है हमारे चारों तरफ। हम जैसे ही उसको अपने दृष्टिकोण में सीमित करेंगे, उसको मापेंगे, वो माया में बदल जाएगा, यानी कि वो वास्तविक नहीं रह जाएगा। तो अंतर यात्रा में ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है कि हम दृष्टिकोणों से मुक्त हों। दूसरों के दृष्टिकोण जो हमारे ऊपर आरोपित हो गए हैं और हमने जो दृष्टिकोण दूसरों के ऊपर आरोपित किए हैं, एक देखा जाए एक दोनों तरफ चलने वाली प्रक्रिया है। दृष्टिकोण का आरोपण तुम्हारी तरफ हुआ, फिर तुम्हारी तरफ से दूसरों की तरफ हुआ, फिर दूसरों की तरफ से फिर और चारों तरफ हुआ। तो ये एक बड़ी श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया है जो चलती रहती है, दृष्टिकोणों का घेरना पूरे जीवन को। और दृष्टिकोणों से घिरा हुआ जीवन निश्चित ही मायावी जीवन हो जाता है, क्योंकि उसकी सबके पास एक परिकल्पना बन जाती है कि ये है, और उसी से फिर हिंसा निकलती है, उसी से बिखराव निकलता है। कोई किसी के दृष्टिकोण में फिट नहीं बैठा तो उसके लिए फिर वो व्यक्ति मूल्यहीन लगने लगता है। कोई व्यवस्था किसी के दृष्टिकोण में फिट नहीं बैठ रही है, उस व्यवस्था से फिर युद्ध होगा। इसीलिए अगर हम, और लोग तो ऐसे हैं कि प्रकृति में भी अपने दृष्टिकोण लगा देते हैं, तो जो
पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ पहाड़ हैं, जंगल हैं, उनको भी वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से चाहता है। ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये वाली चिड़िया होनी चाहिए, ये वाले कीड़े होने चाहिए, ये वाले नहीं होने चाहिए, और हम फिर पूरे प्रकृति को, जगत को नष्ट करने वाले बन जाते हैं। मनुष्य ने अपने विकास क्रम में दृष्टिकोणों का आरोपण इस तरह से किया है कि हम जमीन नष्ट कर बैठे हैं, हम हवा नष्ट कर रहे हैं, हम पानी नष्ट कर रहे हैं, हम सब कुछ नष्ट किए चले जा रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि ये सही है और हमको जो सचमुच में सही है उसका पता नहीं। यही माया है जिसको हम सच मान बैठे हैं, और हम जिसको सच मान बैठते हैं वो हमारे दृष्टिकोण के सिवा और कुछ नहीं होता। तो माया से मुक्ति वस्तुतः अपने दृष्टिकोण से मुक्ति है, और अगर इस संसार में लोग अपने दृष्टिकोण से मुक्त होकर जिएं तो उसी को हम कहेंगे माया से मुक्त होकर जीना। तो हर जगह हर व्यक्ति में जो अनंत संभावनाएं अस्तित्व दे चुका है वो इस तरह से पुष्पित पल्लवित होंगी कि हम आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये संसार इतना सुंदर हो सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो वही फिर जिसको कहते हैं कि ब्रह्म का सत्य, फिर वो जो एक विस्तार का, विराटता का जो सत्य है वो हमारे सामने प्रकट होता है। माया का जो धुंधलका है वो हट जाता है, हमारे मापने की सारी वृत्तियाँ विदा हो जाती हैं, तो वो सुंदरतम संसार और सुंदरतम जीवन होता है।